मेरा सवाल ये है कि देश भर में CAA लागू हुआ, अब इस पर सियासत तेज हो गई, इस पर आपका क्या कहना है? भैया आज से 3 साल पहले जब पहली बार CAA NRC की चर्चा हुई तब मैं नीतीश जी के साथ था और इसी मुद्दे पर नीतीश कुमार ने उस समय लोगों से दल के साथियों से धोखा करके भाजपा के साथ मिलकर इस बिल को लाने में, इसके प्रावधान को देश में लागू कराने के पक्ष में वोट दिया था। तब मैंने खुलकर दल में रहते हुए विरोध किया, उनके दल को छोड़ा और मैं बिल्कुल ही इस पूरी परिकल्पना के, इस अध्यादेश के, इस कानून के विरोध में हूँ। इसलिए नहीं कि इसमें मुसलमान का क्या होगा, हिंदू का क्या होगा, भाजपा क्या कह रही है, विपक्षी दल क्या कह रहे हैं, इस पूरे कानून के विरोध में इसलिए है, ये संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत है। जो इस देश के फाउंडिंग फादर्स हैं, जिन लोगों ने इस देश को बनाया, जिन लोगों ने संविधान को बनाया, उन्होंने इस बात को तय किया कि जाति धर्म वर्ग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जैसे ही आप नागरिकता को धर्म से जोड़ेंगे, चाहे आपकी मंशा ठीक हो या खराब हो, अलग विवाद का मामला है, बहस का मुद्दा है, लेकिन आप संविधान की या इस देश को बनाने वालों की जो मूल भावना है उसका अनादर कर रहे हैं। इसलिए मैं CAA के खिलाफ में पहले भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूंगा। मेरा एक सवाल है कि चिराग पासवान को लेकर भाई ये संशय खत्म हो चुका है कि वो NDA में है, NDA के लिए इतना महत्वपूर्ण कैसे है चिराग? अब ये तो जाकर NDA वालों से पूछिए कैसे महत्वपूर्ण है। देखिए, जिस भाजपा को आप लोग इतना ताकतवर समझते हैं, ये देश मान रहा है, अमित शाह, मोदी वगैरह, अगर आप इनको गहराई से, करीब से अगर देखना, जानना, समझना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहां पर इनके खिलाफ लोग या राजनीतिक दल खड़े होकर मजबूती से चुनाव लड़े और इनको हरा दिया, वहां पर कभी इनकी हिम्मत नहीं हुई फिर से खड़ा होकर चुनाव लड़ने की। तो बिहार वो भूमि है जब 2015 में अमित शाह और मोदी अपने सारे प्रयास के बावजूद उनको सफलता नहीं मिली, और वो जो डर है, वो इतना बड़ा डर है हारने का, जब आपको ज्यादातर जगह पर आसान जीत मिलती है तो कहीं पर जब आप हार जाते हैं तो आप उससे डरते बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को ये डर है, भाजपा की लीडरशिप को, कि बिहार की जो राजनीतिक मैं कहूंगा पृष्ठभूमि है, यहाँ का जो सोशल फैब्रिक है, जो यहाँ समाजवाद की जड़ें हैं, वो इतनी मजबूत हैं या इतनी गहरी हैं कि भाजपा के लिए इतना आसान नहीं है कि पूरे बिहार को अपने एक मोदी के स्लोगन पर जीत लिया जाए, ऐसा उनको लगता है। सच्चाई क्या है ये तो भगवान जाने, लेकिन ऐसा उनको लगता है। इसीलिए वो इस तरह के गठबंधन, जैसे नीतीश कुमार के लिए अभी कुछ महीना पहले आकर यही अमित शाह ने मंच से खड़े होकर कहा कि बिहार की जनता, एक एक आदमी सुन लीजिए, चुनाव या चुनाव से पहले या बाद किसी भी हालत में नीतीश कुमार को वापस नहीं लिया जाएगा, इनके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। वही अमित शाह जो इतनी बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, ये लोग दावा करते हैं हम 400 सीट जीतेंगे, नीतीश कुमार जैसा आदमी जो कि बिहार में रहने वाला साधारण राजनीतिक समझ रखने वाला आदमी भी जानता है कि नीतीश कुमार के राजनीतिक वजूद बिहार में अब कोई बहुत मजबूत नहीं है, ये उनके राजनीतिक का अंतिम दौर है, लेकिन अगर वो भी वापस आ रहे हैं तो भाजपा को उसको मानने, स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसकी वजह यह है कि बिहार की राजनीतिक भूमि को भाजपा इतना आसान मानती नहीं है, चाहे वो चिराग हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी हो, नीतीश हो, चाहते हैं कि जितने लोगों को साथ में रखे ताकि ये खतरा ना हो कि कहीं 40 में 2-4-5 सीट का नुकसान हो जाए। और दूसरा, ये बिहार के लोगों का दुर्भाग्य रहा है कि ये 40 सीट जो है इसके लालच ने बिहार को बर्बाद कर दिया। विश्व के स्तर पर अफ्रीका के बारे में बात कही जाती है कि अफ्रीका के जिन देशों में बहुत ज्यादा खनिज है वहां पर सबसे ज्यादा गरीबी है, उसको मिनरल कर्स कहा जाता है, क्योंकि वहां इतना खनिज है कि उसी को लूटने के लिए, उससे कमाने के लिए दुनिया भर के लोग जाकर वहां लूटपाट मचाते हैं। उसी तरह बिहार की हालत है, बिहार से 40 सांसद जीत कर जाता रहे उसके लिए राष्ट्रीय दल, पहले कांग्रेस और अब भाजपा, ये कुछ भी करने को तैयार है।
आपने देखा कांग्रेस का जब शासन था, इसी कांग्रेस ने बिहार को लालू जी के हवाले करके छोड़ दिया। उनको ऐसा नहीं कि मालूम नहीं है कि बिहार में कितना बड़ा जंगल राज लालू जी के टाइम में था। ऐसा तो नहीं है कि लालू, उनको कांग्रेस को पता नहीं था कि बिहार सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था। मनमोहन सिंह जी इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनको ये पता नहीं था कि बिहार में कितनी परेशानी बदहाली है। इसके बावजूद उन लोगों ने लालू जी को अपने कंधे पर बैठा कर रखा, क्योंकि वो चाहते थे कि बिहार से 20-25-30 सांसद जीतकर यूपीए की सरकार को मदद करते रहे। तो जो काम कांग्रेस ने लालू जी के साथ किया, वही काम आज भाजपा नीतीश के साथ कर रही है कि नीतीश को साथ में रखो, चिराग को साथ में रखो, इन लोगों की मदद से 30-35 सांसद हम लोग का जीत कर जाता रहे। उसके बाद बिहार में जो होता रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, बिहार के पूरे बच्चे मजदूर बने रहे कोई दिक्कत नहीं है, बिहार में गरीबी बदहाली हो कोई दिक्कत नहीं हो, बिहार के बच्चे जब गुजरात जाए तो उसको बिहारी कहकर उसका मजाक उड़ाए गाली दे, लेकिन बिहार से 35-40 सांसद हम लोग का जीत कर जाता रहे। ये जो सोच है, ये जो लालच है, यही इन चीजों को कराता है। बिहार के चुनाव में आपकी क्या भूमिका रही जी? लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका? मेरी कोई भूमिका नहीं है, हमारी भूमिका हमने तय की हुई। हमारी भूमिका बिहार में समाज के स्तर पर काम करने की है। मैंने आपको पहले बताया हमारा लक्ष्य पहले से निर्धारित है। इन तीन उद्देश्यों के लिए ही आने वाले समय में 1 वर्ष लगे 10 वर्ष लगे मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे कोई चुनाव से मतलब नहीं है। जब दल बन जाएगा, पूरे राज्य में हम पदयात्रा कर लें, लोगों से बात कर लें, यहाँ के सुधार की योजना बना लें, दल बन जाए, उसके बाद चाहे मुखिया का चुनाव होगा कि लोकसभा का चुनाव, सब चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम चुनाव लड़ना भूल गए, लेकिन हमने अपने 10-15 साल के अनुभव के आधार पर यह पाया कि सिर्फ चुनाव जीतने से, दलों को जिताने से आप समाज को बदल नहीं सकते। हम जब स्वराज में क्या कर रहे हैं, कर पाएंगे तो बात की बात है। 2015 में तो हमने महागठबंधन के साथ बिहार जीत लिया था, 7 निश्चय का कार्यक्रम भी मैंने बनवाया, बिहार विकास मिशन की परिकल्पना भी बनवाई, लेकिन उससे बिहार नहीं सुधरा। कई राज्यों में हमने सरकार बनाने में अपना कंधा लगाया है, लेकिन हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि उन राज्यों में अच्छी सरकार चल रही है। इसलिए मैंने उस काम को छोड़ दिया और अब तय किया है कि नहीं, अगर भगवान ने मुझे कुछ शक्ति बुद्धि साधन व्यवस्था दिया है तो मुझे इस शक्ति का, मुझे इस बुद्धि का प्रयोग समाज के बेहतरी के लिए करना है, दल और नेताओं के बेहतरी के लिए नहीं करना है। काम हम वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। ये आपको लग रहा है कि हम कोई काम छोड़ दिए, पहले हम यही काम दल और नेता के लिए कर रहे थे। उनको बता रहे थे कि आप अपने दल का संगठन कैसे मजबूत कीजिए, अपने आप को संगठित कैसे कीजिए, प्रत्याशियों का चुनाव कैसे कीजिए, किन मुद्दों पर प्रचार कीजिए, किन मुद्दों पर जनता को आश्वासन दीजिए। वही काम आज भी कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि पहले ये दल और नेता के लिए कर रहे थे, अब ये बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं। तो चूंकि संख्या बड़ी है इसलिए आपको लग रहा है तो बड़ा केओटिक है, लेकिन काम यही कर रहे हैं। जाकर गाँव गाँव लोगों को बता रहे कि आप अपने बीच से कैसे लोगों को चुनकर निकाल सकते हैं, कैसे संगठित हो सकते हैं, कैसे अपने बच्चों के लिए एक नई व्यवस्था बना सकते हैं, और वो करने में मैं या जन स्वराज आपकी मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, सलाह देंगे, आपका हाथ पकड़ के आपको बढ़ाएंगे, आप आइए साथ मिलकर ये व्यवस्था बनाएंगे। 75% जो आरक्षण नीतीश जी के द्वारा दिया गया, इस आरक्षण को आप किस नजरिए से देखते हैं, इससे क्या लाभ? देखिए ऐसा है, आरक्षण को लेकर इस देश में को बनाने वाले लोगों ने संविधान में एक व्यवस्था बनाई। उन्होंने ये अध्ययन करके अपनी सामाजिक राजनीतिक समझ के आधार पर यह तय किया कि समाज के वो वर्ग जो सदियों से शिक्षा या सामाजिक कारणों से पीछे रह गए, उनको प्रोएक्टिवली मदद करके आगे बढ़ाया जाए। उसमें एक समय सीमा भी तय की गई कि कितने वर्ष तक ये आरक्षण रहेगा, लेकिन उसमें यह भी तय किया गया कि ये मानकर यह किया गया कि उतने दिन में वो जो समाज के पिछड़े वर्ग है वो सामान्य वर्ग के बराबर हो जाएंगे। तो आरक्षण बना रहना चाहिए, बिल्कुल इसके पक्ष में है। तब तक बना रहना चाहिए जब तक वो वर्ग जो जिनको वंचित या पिछड़ा माना जा रहा है वो सामान्य वर्गों के बराबर न हो जाए, शैक्षणिक सामाजिक और आर्थिक नजरिए से। तीसरा, आपने कहा कि जो आरक्षण बढ़ाया घटाया, ये तो लालू नीतीश जैसे जो नेता हैं आरक्षण का विशुद्ध प्रयोग अपने राजनीतिक हित के लिए करते हैं। मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं, बिहार में टोटल लोग जो सरकारी नौकरी में हैं, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक,
कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय भी अगर जोड़ दीजिएगा तो टोटल 1.57% लोग ही सरकारी नौकरियों में हैं। इसको याद रखिए, 13 करोड़ की आबादी है जिसमें करीब करीब 1.5% लोग सरकारी नौकरी में हैं। अब आप आरक्षण 1.5% में चाहे 65 कर दीजिए या 80 कर दीजिए या 100 में 100 कर दीजिए। मान लीजिए कि आपने 100 में 100% भी रिजर्व कर दिया तो भी समाज का 98.5% आदमी को तो इसका कोई फायदा नहीं है। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान के बावजूद जो अभी जातीय जनगणना हुआ उसमें क्या निकल के आया कि जो जातियां जो समाज आज से 30 साल पहले सबसे पीछे थे आज भी वो वहीं के वहीं खड़े हैं। उनका सुधार सिर्फ नौकरियों में आरक्षण से नहीं होगा। जब तक आप उनके बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था नहीं करेंगे, जब तक आप उनको खेती के लिए जमीन नहीं देंगे, जब तक आप उनको रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी नहीं देंगे, तब तक सिर्फ सरकारी नौकरियों में आरक्षण को फेर बदल करके आप समाज के बड़े वर्ग को नारा उससे लगवा सकते हैं, उसका वोट ले सकते हैं, लेकिन उसका भला नहीं कर सकते। मैं हमेशा कहता हूं कि लालू जी ने सामाजिक न्याय के नाम पर जो काम किया है, गरीबों को वंचितों को आवाज दिया, ऐसा उनका दावा है और इस बात के लिए लालू जी का सम्मान होना चाहिए। मैं रोज मन से कहता हूं कि लालू जी का इस बात के लिए सम्मान होना चाहिए कि लालू जी के प्रयास से समाज के कई समाज वर्गों को आवाज मिली, सम्मान मिला, हिम्मत मिला, बल मिला। लेकिन लालू जी ने जिन वर्गों को बल दिया, आवाज दिया, उन वर्गों के बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था नहीं की, उन वर्गों के लोगों को उन्होंने जमीन नहीं दिया, उन वर्गों के लोग बिजनेस व्यापार कर सके इसके लिए पैसा पूंजी नहीं दिया। ये क्यों नहीं किया? इसलिए कि इन समाज के लोग आवाज पाकर उनके पक्ष में आवाज लगाएं, डंडा लेकर खड़ा हो, उनका झंडा लेकर घूमे, लेकिन अपने बच्चों के लिए कभी कुछ न पा पाए। जीवन भर लालू जी और उनके बच्चों के लिए आवाज लगाते रहे, उनके लिए नारा लगाते रहे। तो ये सामाजिक न्याय का एक पहलू है जिसको आपको हमको समझना है। जहां सामाजिक न्याय में सामाजिक स्वतंत्रता और जो बोल बताते हैं कि हमने आपको आवाज दे दिया, उस बात को काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन लालू जी ने किसी वंचित समाज के गांव में, किसी महादलित परिवार के गांव में, पंचायत में स्कूल की व्यवस्था नहीं की। इस पूरे राज्य में लालू जी ने कभी भूमि सुधार की चर्चा नहीं की। इस पूरे राज्य में लालू जी ने कभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की कि बैंकों से इन गरीब वंचित समाज के लोगों को सस्ते दर पर ऋण मिले ताकि वो रोजी रोजगार कर सके। इसके दो ही वजह हो सकते हैं, या तो लालू जी की इसकी समझ नहीं थी, या फिर लालू जी की राजनीतिक चातुर्यता इतनी है कि इन समाज को आवाज तो दो लेकिन इनको पढ़ाई मत दो, इनको शिक्षा मत, इनको जमीन मत दो, इनको रोजगार मत दो, ताकि ये जीवन भर भीड़ बनकर मेरा और मेरे बच्चों का झंडा लेकर घूमते रहे, हम राजा बने रहे और ये सब हमारा जय जयकार करने वाली जनता बनी रहे। आगामी लोकसभा आपके आपका समर्थन किसी प्रत्याशी को मिलेगा? किसी को नहीं, मेरा समर्थन किसी को नहीं है, मेरा विरोध किसी को नहीं है। ये जो मैं पूरा अभियान कर रहा हूँ, देखिए पूरे देश में कितनी पार्टियां और दल हैं जो चाहते हैं हम उनकी मदद करें, हम लोकसभा में उनके साथ जुड़ जाएं। हमने इस काम को 2021 में, आज नहीं, 2 मई 2021 को जब बंगाल तमिलनाडु का रिजल्ट आया उस दिन हमने नेशनल टीवी पर बैठकर घोषणा की कि अब हमको जीवन में काम करना ही नहीं। लेकिन अब पत्रकार है या राजनीतिक टीका टिप्पणी करने वाले लोग, हमको तो ये विश्वास होता नहीं है। अब आपको विश्वास न हो तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। जब हमने काम छोड़ा, छोड़ने के बाद एक साल अपने जीवन का निकाला ये समझने के लिए कि हमको जीवन में आगे क्या करना है, और 2021 से लेकर 2022 तक सोचने समझने के बाद हमने तय किया कि अब अपने जीवन का मेरा अगला 10 साल 15 साल बिहार में सुधार के लिए हमको लगाना है। उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, अपना घर परिवार छोड़कर, आप देख रहे हैं कि देश में आज चुनाव हो रहा है, मेरे घर में कुछ हो रहा होगा, गर्मी हो, बरसात है, जाड़ा है, मैं पिछले 18 महीना से बिहार के गांव में ही रहता हूँ, इन्हीं कैंप्स में रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उनको समझाने का प्रयास करता हूँ। उसमें सफलता मिले न मिले वो बात का बात, आप उससे सहमत हो सकते हैं नहीं सहमत हो सकते हैं,
लेकिन मैं ये काम पिछले दो वर्ष से कर रहा हूँ, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप हमारी बात, हमारी कहे हुए बात पर भरोसा मत कीजिए, मेरे कथनी पर मत जाइए, तो मेरे कर्मी को देखिए, जो मैं कर रहा हूँ उसको देखिए, जांचिए, परखिए, ठीक लगे तो जुड़िए, अन्न ठीक लगे तो जैसे जीवन चल रहा है चलाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो आपसे प्रभावित है, जो मतदाता आपसे प्रभावित है, वैसे लोग कहां वोट करेंगे? जो हमसे प्रभावित है, जो इस सोच से प्रभावित है, वो उन लोगों को वोट करेगा जो समाज में इस बार खड़े होंगे और बेहतर उनकी नजर में होंगे। अब आप ये कह सकते कोई बेहतर ना हो तो क्या करे भाई, उसके लिए नोटा का प्रोविजन है, जाके नोटा दबाओ। अब भाई ये जाकर ओवैसी साहब से पूछिए कि 11 में उतार रहे हैं कि 41 में उतार रहे हैं। हमने आपको कह दिया कि हमको चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हमने जिन उद्देश्यों को लेकर इस अभियान को शुरू किया है, एक चुनाव आए, 10 चुनाव आए, कोई लालच आए, कोई बीच में स्थिति आए, हम इससे हटने वाले नहीं है। बिहार की जनता को जो आश्वासन देकर ये अभियान शुरू किया है कि जब तक पूरा बिहार पैदल न चल लें, जब तक गांव गांव जाकर लोगों से मिल ना लें, समझ ना लें, उनकी मदद से नया दल न बना लें, तब तक कोई भी राजनीतिक गतिविधि में हमारी कोई भूमिका है नहीं। ये बिहार के लोगों को तय करना है कि वो किसको वोट देना चाहते हैं, किसको नहीं देना चाहते। बिहार में सर आज जो है नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव के बाद उनका गठबंधन बना रहेगा या दोबारा? भाई नीतीश कुमार को खुद ही नहीं पता है कि वो कहाँ खड़े हैं और कहाँ 10 दिन के बाद खड़े रहेंगे। पिछले 7 महीना से जब आप लोग उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना रहे थे, इंडिया का संयोजक बना रहे थे, तब भी मैं कह रहा था कि नीतीश कुमार भागने वाले हैं कि वो खिड़की खोल के बैठे हुए भाजपा में, भागेंगे भागेंगे, अगर नहीं भागेंगे तो इनको 5 सीट नहीं मिलेगा। जैसे पता चला लोकसभा नजदीक आया, डर के मारे आदमी भागा फिर भाजपा में। अब भाजपा की मदद से जीत जाएंगे कुछ सीट, जीतने के बाद फिर बादशाह बनने लगेंगे, या हमसे ज्यादा पॉपुलर कोई नेता नहीं है। सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का अंत हो गया है, ये अंतिम दौर चल रहा है। जब तक कुर्सी पर है, 1 महीना, 2 महीना, साल भर, अगले चुनाव तक हाथ पांव मार लें, समीकरण बना लें। अगला लोग जब विधानसभा का चुनाव होगा तो चाहे वो भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन के साथ लड़े कि अकेले लड़ जाए, नीतीश कुमार के दल जदयू को ये घोषणा अभी कर देते हैं। लोकसभा के बारे में कहे थे तो भागे डर के मारे, अभी घोषणा कर देते हैं जदयू को 20 सीट नहीं आएगा, चाहे भाजपा के साथ लड़ लें, चाहे मोदी जी आके उनका प्रचार कर दें। और भाजपा वालों को भी चुनौती दे रहे हैं, अगर इनको दम है, अगर भाजपा के नेतृत्व को दम है तो घोषित करें कि नीतीश कुमार अगला मुख्यमंत्री होगा और चुनाव लड़ के दिखा दें विधानसभा में। इनको भी अपनी औकात दिख जाएगी इस बार कि नीतीश कुमार को अपने कंधा पर बैठा के कितना दिन ये लोग बिहार की जनता की आंख में धूल झोंकेंगे। पिछले ही बार बिहार की जनता ने 42 को उतार दिया था, इस बार इतना नीचे कर देगा कि भाजपा चाहेगी भी तो कुछ नहीं कर सकती है। और मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, किसी भी फॉर्मेशन में नीतीश कुमार लड़े, इनको 20 सीट नहीं आएगा विधानसभा में। भाजपा के साथ लड़े तो, जब फिर से भाग के आरजेडी के साथ लड़े तो, अकेले लड़े तो। और दूसरी बात ये कह देते हैं कि भाजपा को दम नहीं है, भाजपा को दम नहीं है कि ये घोषित कर दे कि अगला चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर विधानसभा का लड़ा जाएगा। अगर ये घोषित कर देंगे तो उनके समर्थन में हम खड़ा हो जाएंगे, नहीं कर सकता। उनको भी मालूम है कि नीतीश कुमार का नाम अगर घोषित किया तो बिहार के जनता सिरे से साफ कर देगा, नीतीश को तो साफ करेगा करेगा, उनको भी कर देगा। इस जिले के बाद जो है अगला जिला कौन सा होगा? और इस जिला के बाद 16 तारीख को अभी तक के कार्यक्रम के हिसाब से मधेपुरा जाएंगे, मधेपुरा के बाद सुपौल, सुपौल से अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, उसके बाद कटिहार। और अपना जो है राजनीतिक दल कब तक बन सकता है? फिर वही बात, अरे भाई जब पदयात्रा पूरा हो जाएगा तो दल बन जाएगा। इस पदयात्रा का किलोमीटर और दिन निश्चित नहीं है, इसके उद्देश्य निश्चित है, इसका लक्ष्य निश्चित है। वो लक्ष्य को पूरा करने में कभी 20 दिन लगता है, मान लीजिए हम सोच कर आए कि सहरसा में एक काम को 20 दिन में कर लेंगे, लेकिन अगर 24 दिन भी लगेगा तो हमारे लिए ये जरूरी है कि वो काम हो, बजाय इसके कि 20 दिन में जल्दी से पूरा करके मधेपुरा पहुंच जाए। हमारे लिए पदयात्रा कोई किलोमीटर पूरा करने का रिले रेस नहीं है, मैराथन नहीं है,
नहीं तो हम देखिए कितने बड़े बेवकूफ है, 18 महीना से चल रहे हैं, अभी आधे बिहार चलता है। यहाँ का नेता लोग एक महीना में पूरा बिहार का दौरा कर लेता है। राहुल जी 6 महीने में पूरा देश चल दिए, बीच में छुट्टी भी लेते हैं लोग, अमेरिका भी जाते हैं, घर भी जाते हैं, हम घर भी नहीं जाते हैं, कहीं छुट्टी भी नहीं लिए, फिर भी 18 महीने हो गए, अभी आधा बिहार ही कर पाए। इसलिए कि हमारा काम करने का तरीका दूसरा है, हम उनके जितना होशियार नहीं है। अभी तेजस्वी यादव आए, उन्होंने 7 दिन में पूरा बिहार कर दिया। उससे पहले आपने देखा नीतीश कुमार ने 1 महीने में पूरे बिहार का समाधान कर दिया, राहुल जी ने 6 महीने में पूरा देश सुधार दिया। तो भाई हमें उतनी क्षमता नहीं है, हम धीरे चलने वाले कछुआ है, हम धीरे धीरे ही चलेंगे, और हमको अभी पूरा बिहार करने में 1.5 साल और लग सकता है। हमको कोई घबराहट नहीं है, 2 बरस लगे 4 बरस लगे, करना यही है, संकल्पित होकर आए हैं। जब तक बिहार को सुधारने के लिए ये व्यवस्था न बना ले तब तक पीछे हटने वाले नहीं है। दुनिया में कोई प्राथमिकता नहीं है हमारे लिए, एक ही प्राथमिकता है, आने वाले कुछ वर्षों में बिहार को सुधारने की व्यवस्था बनाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इलाके आजादी से लेकर के अब तक में आपने क्या बदलाव देखा है और क्या क्या नजर आया? देखिए बदलाव तो स्वाभाविक है, अगर 75 साल हो गए आजादी के तो बदलाव तो निश्चित तौर पर आपको दिखेगा। आज से 60-70 साल पहले बहुत ऐसे इलाके रहे होंगे जहां सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, उन क्षेत्रों में सुधार आपको दिखेगा। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि 75 साल के बाद भी देश आजाद हुआ तो देश के सारे राज्य आजाद हुए, तमिलनाडु भी आजाद हुआ, बिहार भी आजाद हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि 50 के दशक में बिहार जो देश के 5-6 अग्रणी राज्यों में था, आज बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। हम लोग चाहे वो प्रति व्यक्ति आय हो या विकास के दूसरे मानक हो, सभी मानकों पर देश में 27वें या 28वें नंबर पर है। और ये स्थिति तब है जब 40-45 साल हम लोगों ने कांग्रेस का राज देखा, 15 साल लालू जी का राज रहा, 18 साल से नीतीश जी भाजपा का राज है। दिल्ली में आपने कांग्रेस यूपीए की सरकार देखी, अभी 10 साल से मोदी जी की भी सरकार देख रहे हैं। तो पदयात्रा के दौरान हम लोग पहली बात ये कहते हैं कि बिहार में ये ज्यादातर समय हम लोग इस पर बिताते हैं कि बिहार को किसने खराब किया, किसको हम लोग वोट दें, कौन सुधारेगा। जबकि मूल बात यह है कि अगर आप एक बार को मान लें कि जिसने भी बिहार में शासन किया उसने जो काम किया या करने का दावा कर रहा, सब बात को अगर सही मान भी लिया जाए तो भी इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, अशिक्षित, भुखमरी, बेरोजगारी वाला राज्य है। तो ये कहीं ना कहीं आपको बताता है कि जिस रास्ते पर हम लोग पिछले 40-50 साल से चलकर आ रहे हैं, उस रास्ते पर चलकर तो बिहार का सुधार होने वाला नहीं है। चाहे आप लालू जी को जिता दीजिए, नीतीश को जिताइए, मोदी को जिताइए, प्रशांत किशोर को जिता दीजिए, जब तक समाज के स्तर पर जिनकी जिंदगी, जिनके बच्चों की जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित है, जब तक उनके स्तर पर सुधार नहीं होगा, जब तक उनकी सोच में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक बिहार में आमूलचूल परिवर्तन नहीं आ सकता है। इसी सोच को आत्मसात करके इस पूरी योजना को मैंने बनाया है कि 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, सबसे पहले बिहार में जाकर लोगों को समझाया जाए, उनको तैयार किया जाए, जब उनके बात समझ में आएगी तभी कोई बड़ा परिवर्तन आप देख पाएंगे। देश भर के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, अभी मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी में बिल्कुल कहीं कहीं मलाई मारने के लिए चले जा रहे हैं। ऐसे में आप कितना अच्छा महसूस करेंगे, कितना रिलैक्स भी करेंगे सरकार आ जाते हैं तो? नहीं, सवाल क्या है आपका हम समझ नहीं पाए। भाई जो राजनीति करता है वो तो हवा का रुख जिधर होता है, ज्यादातर लोग हवा के रुख के साथ चलने वाले ही होते हैं। हवा के रुख के विपरीत या धारा के विपरीत चलने वाले लोगों की संख्या तो हमेशा कम रहेगी। तो अभी अगर देश में हवा का रुख लोकसभा के चुनाव के नजरिए से भाजपा या एनडीए के पक्ष में दिख रहा है तो स्वाभाविक तौर पर जितनी चिड़िया उड़ कर जाने वाली है उसी दिशा में भागेगी, जिस साइड की हवा का रुख हो, इसमें कोई नई बात तो है नहीं।